हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। दोस्तों, हमारी वर्सेस की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं सेन बर्नार्ड वर्सेस लेब्राडोर के बारे में, और ये वीडियो जिनके पास डॉग है और जो लेने वाले हैं दोनों के लिए काम की होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ही डॉग ब्रीड का हम ओरिजिन एंड हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सेंट बर्नार्ड का ओरिजिन स्विट्ज़रलैंड से है। इनको वेस्टर्न एल्प्स में ब्रीड किया गया था। ये डॉग ब्रीड जो लोग बर्फीले पहाड़ों में फंस जाते थे उन लोगों को रेस्क्यू करके लाते थे, और माना जाता है कि ये डॉग ब्रीड ने कई सारे लोगों को आज तक रेस्क्यू किया है और कई लोगों की जान बचाई है। लेब्राडोर को एज अ रिट्रीव डॉग और एज अ गन डॉग ब्रीड किया गया था, ताकि जब शिकारी शिकार करे तो ये लोग जाके शिकार को लेके आ सके। और अगर लेब्राडोर के ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन कनाडा से है। अब आगे के पॉइंट हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। बात करें इन डॉग ब्रीड की नेचर की, तो लेब्राडोर और सेंट बर्नार्ड का नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। दोनों ही डॉग ब्रीड लॉयल रहते हैं अपने ओनर के साथ, और बेस्ट कंपेनियन डॉग भी बन सकते हैं। तो क्या ये डॉग ब्रीड बेबीज़ के साथ भी अच्छे से रह सकते हैं? तो इस मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड बेबीज़ के साथ अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन आपको उनको सोशलाइज़ कराना पड़ेगा। लेब्राडोर को ज़्यादा सोशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी सेंट बर्नार्ड के मुकाबले में। और अगर इन डॉग ब्रीड को आप बेबीज़ के साथ रख रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब तक ये पूरी तरह से सोशलाइज नहीं होते तब तक आप अपने बेबीज़ को अकेला ना छोड़ें। लेकिन साथ साथ ये देखा गया है कि ये डॉग ब्रीड ज़्यादातर बेबीज़ के साथ अच्छे से रह रहते हैं और उनके लिए काफ़ी लॉयल भी रहते हैं। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है एग्रेसिवनेस का। क्या यह डॉग ब्रीड एग्रेसिव है? तो दोस्तों, इस मामले में ये पूरा ओनर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसे रखता है, किस तरह से ट्रेन करता है और किस तरह से सोशलाइज़ करता है। अगर आप इन डॉग ब्रीड को बांध के ही रखोगे, एक जगह पे ही रखोगे, इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो ये एग्रेसिव ज़रूर ही बनेंगे। लेकिन आप इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, इनको ज़्यादा बांध के नहीं रखते हो, घर में घूमने देते हो या फिर आपके पास बैकयार्ड है उधर घूमने देते हो, तो ये एग्रेसिव नहीं बनते और अपने ओनर के साथ लॉयल रहते हैं। ये डॉग ब्रीड को क्या आप स्मॉल साइज़ के हाउस में रख सकते हैं? तो इस मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड स्मॉल साइज़ के हाउस में नहीं रह सकते। इसके लिए आपको मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ का हाउस होना ज़रूरी है। ये इसलिए क्योंकि ये डॉग ब्रीड को घूमना पसंद है, इसलिए इनको थोड़ी बहुत स्पेस तो मिलनी चाहिए घर में या फिर बैकयार्ड में ये घूम सके। इसके साथ साथ एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये डॉग ब्रीड को आप अगर मीडियम साइज़ के हाउस है आपके पास और आप अपार्टमेंट में रहते हो तो इन डॉग ब्रीड को दिन में एक या दो बार वॉकिंग के लिए ज़रूर ले जाए, वरना इनको कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अब हम जानते हैं कि इनको एडॉप्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो थिंग आती है वो है मनी। दोस्तों, ऐसा नहीं किया कि आपने थोड़ी सी मनी सेव कर ली, उनको एडॉप्ट कर लिया या फिर परचेस कर लिया, उसके बाद आपको मनी सेव नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको मनी सेव करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी जो वैक्सीन्स आती है, डिवॉर्मिंग आती है अगर ये बीमार पड़े, या फिर इनको डॉग फूड लेना हो, टॉयज़ लेने हो, तो आपको इसके लिए मनी सेव करके रखनी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एडॉप्ट करने जा रहे हो और आपके पास प्रॉपर अमाउंट अभी तक जो आपके पास हुआ नहीं है, तो आप इसे ना एडॉप्ट कीजिए फ़िलहाल। थोड़ी सी और पॉकेट मनी बचा के रखिए, उसके बाद ही एडॉप्ट कीजिए, क्योंकि आगे चल के इन पे खर्चा होने वाला है। तो अभी से आप सेव करके रखोगे तो आगे चल के आपको बेनिफिट होगा। और सेकंड थिंग आती है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के मामले में आपको दोनों ही डॉग ब्रीड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर आप इनको ट्रेनिंग नहीं देते हो तो ये थोड़े से एग्रेसिव भी बन सकते हैं और आपकी बात तो मानेंगे ही नहीं, इसलिए आप इनको ट्रेनिंग ज़रूर दें। अगर बात करें सेंट बर्नार्ड और लेब्राडोर में से कौन ज़्यादा जल्दी ट्रेन होता है, तो इस मामले में लेब्राडोर आपके लिए अच्छा रहेगा। और ट्रेनिंग के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड को जैसे ही आप एडॉप्ट कर लेते हो उसके कुछ महीने बाद से ही आप इनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दे, जिससे कि ये बड़े होते होते सारी ट्रिक्स जान ले और अच्छे से आपकी बात माने। अब उसके बाद आता है एक्सरसाइज। तो दोस्तों, दोनों ही डॉग ब्रीड को एक्सरसाइज तो ज़रूर करानी पड़ेगी जिससे कि ये फिट रहे और इनको कोई बीमारी ना हो। तो आप इनमें कम से कम दिन में एक या दो बार एक्सरसाइज कराने ज़रूर ले जाए। 15 से 20 मिनट आप एक्सरसाइज करा सकते हो। और अगर आपका डॉग ब्रीड जल्दी थक जाता है तो आप जैसे ही आपको लगे कि अब थक गया है ज़्यादा, तो आप घर पर वापस ला सकते हैं। एक्सरसाइज करने से कई बेनिफिट भी होंगे आपके डॉग ब्रीड को। फ्रेंडलीनेस के मामले में अगर मैं आपको क्लियरली बता दूं तो लेब्राडोर सही रहेगा फ्रेंडलीनेस के मामले में। ऐसे तो दोनों ही डॉग ब्रीड फ्रेंडली होते हैं, लेकिन एकदम अच्छा बताऊं तो लेब्राडोर आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
एक और जो इम्पोर्टेंट थिंग आती है वो है कि कई सारे न्यू ओनर ये गलती कर देते हैं कि इन डॉग ब्रीड को जब ये 25 डेज़ के 20 डेज़ के होते हैं तभी एडॉप्ट कर लेते हैं या फिर परचेस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। जब ये डॉग ब्रीड 30 डेज़ से ऊपर या 35 डेज़ से ऊपर हो जाए तभी आप इनको एडॉप्ट कीजिए या फिर परचेस कीजिए, क्योंकि इनको इनकी मदर मिल्क की खास ज़रूरत होती है। अगर इनको इनकी मदर का मिल्क नहीं मिलता है तो इनको आगे चल के डिजीज़ हो सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इनको 30 या 35 डेज़ के बाद ही एडॉप्ट कीजिए। बात करें एडेप्टिबिलिटी की, तो सेन बर्नार्ड को ठंडा मौसम ज़्यादा पसंद है, बर्फीले इलाके में ये ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन आप इनको मीडियम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के बाहर ज़्यादा धूप हो या फिर ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इनको घर में ले आए, क्योंकि इनको इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लेब्राडोर कोई भी टेम्परेचर में रह सकता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में आप इनको ना रखें तो ही अच्छा है। अगर आप इनको रख भी रहे हो तो इनको आप कूलर या एसी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे डॉग वर्सेस डॉग की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।